मेरा ही आज के मेहमान खुसूसी अली अमीन गंडापुर साहब, जनाब मुराद सईद साहब, जफर अनवर साहब, दीगर मोहतरम कायदीन, मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज सबसे पहले मैं जनाब चौधरी साहब और दीगर जितने आज कायदीन पीटीआई में शामिल हुए हैं उनको खुश आमदेद चाहता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो जो औकात लेकर मेरे कायद इमरान खान की क्यादत में पीटीआई में शामिल हुए हैं इंशाल्लाह ताला कभी मायूस नहीं होंगे। चौधरी मुश्ताक साहब एडमिनिस्ट्रेटर जिला मीरपुर और अदरी शान साहब चौधरी मनीर साहब पीटीआई में शामिल हुए हैं और दीगर साथी भी शामिल हुए हैं और आज से ये नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला जफर अनवर बहुत बड़ी शख्सियत से अभी इलेक्शन में कोई महीने हफ्ते नहीं है, दिनों के साथ रह गए हैं। मैं आपसे कहूंगा आज आपका ये बहुत कामयाब शो था। सारे हम रास्ते में साहब आ रहे थे और मेरा ख्याल है जितने लोग जलसे में शायद इतने लोग बाहर वो जलसा गांव में नहीं आ सके इतना रश था। तो ये तो जफर अनवर का असेंबली में आना इसलिए भी जरूरी है कि उसके बगैर तहरीके इंसाफ का कोरम पूरा नहीं होता। जोश खरोश देख रहा हूँ, इतनी बड़ी तादाद देख रहा हूँ, मैं आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ और आजाद कश्मीर के लोग पीटीआई को वोट देना चाहते हैं, इमरान खान का बाजू बनना चाहते हैं और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला, बल्कि पहले मैं ये कहता था कि पीटीआई अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी, आज मैं दावे से यकीन से एतमाद से जुर्म से कहता हूँ पीटीआई इंशाल्लाह 2 साल अक्सरियत से